नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर, बड़ी संख्या में स्थानीय युवा आतंकी गतिविधियों में हो रहे हैं शामिल, गृह मंत्रालय की बड़ी चिंता। जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बावजूद केंद्र सरकार ने सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं किया है। कश्मीर में सक्रिय सुरक्षा बलों और मुठभेड़ों की बढ़ती संख्या के बावजूद भी कई स्थानीय लोग आतंकवादियों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने NDTV को बताया है कि ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। मुठभेड़ में मरने वाले आतंकवादियों की पहचान से पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर स्थानीय हैं। वास्तव में मुठभेड़ों में मारे गए 90% से अधिक आतंकवादी कश्मीरी स्थानीय हैं। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा, महामारी का प्रभाव हमारी समग्र कल्पना से परे होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के विविध क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का जिक्र करते हुए 20 अगस्त कहा कि बहुपक्षीयता ऐसे अवसरों पर खरी नहीं उतरी जब इसकी सबसे अधिक मांग थी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया पहले जैसे कभी नहीं रहेगी और महामारी का प्रभाव हमारी समग्र कल्पना से परे होगा। महामंदी के बाद निश्चित तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े सिकुड़न का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोरोना काल में नहीं होने चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव, बढ़ाया जाए समय। यशवंत सिन्हा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने 20 अगस्त को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का समय कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बढ़ाया जाना चाहिए। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि बड़ी विडंबना है कि राज्य में कोविड संक्रमण के मद्देनजर कोई राजनीतिक गतिविधियां आयोजित नहीं की, लेकिन इसके बावजूद चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि मौजूदा परिदृश्य में चुनाव नहीं होने चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं कि राज्य में विधानसभा चुनाव का समय बढ़ाया जाए। व्लादिमीर पुतिन के विरोधी को चाय में दिया गया जहर। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्स नवालनी के प्रवक्ता ने एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एलेक्सी साइबेरिया के एक हॉस्पिटल में ICU में है। शक है कि उनको जहर दिया गया है जिसके चलते वे बीमार हो गए थे। मॉस्को जाते वक्त एलेक्सी की तबीयत खराब होने पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई और उनको ओमाक्स के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। नवालनी की पहचान रूस में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने वाले नेता के तौर पर है और वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचक माने जाते हैं। राहुल गांधी ने रोजगार संकट को लेकर चेताया, बोले, मैंने पहले जब ऐसे कहा था तो मीडिया ने मजाक बनाया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर रोजगार नौकरी संकट के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी का अनुमान है कि भारत आने वाले दिनों में अपने युवाओं को नौकरी देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। 20 अगस्त को आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 6-7 माह में संकट गहराने वाला है। राहुल के अनुसार, उन्होंने जब कोरोना वायरस को लेकर इस साल की शुरुआत में इस तरह के अनुमान लगाए थे तो मीडिया ने मजाक बनाया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, बस बहुत हुआ, पंजाब के लिए लॉकडाउन के नए नियम घोषित। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों की चिंताजनक स्थिति के चलते सख्त कदम उठाया है। राज्य के सभी शहरों और कस्बों में शुक्रवार से रात में कर्फ्यू रहेगा, जो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही हफ्ते के अखीर में लॉकडाउन किया जाएगा। 31 अगस्त तक इन आपातकालीन उपायों को लागू किया जाएगा। नए आदेशों के मुताबिक सार्वजनिक और निजी परिवहन पर प्रतिबंध है और सभी सार्वजनिक समारोह, शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर बाकी गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। 20 अगस्त शाम को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से अब युद्ध स्तर पर लड़ना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयारी भी पुख्ता करनी होगी। सोनू सूद जितने लोगों की मदद कर रहे हैं उतने गुना उनसे मदद मांगने वाले बढ़ते जा रहे हैं। कोई इमिग्रेशन में मदद मांग रहा है, किसी के पास बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, किसी का बाढ़ में घर बर्बाद हो गया, किसी की किताबें बाढ़ के पानी से खराब हो गई, किसी के पास पिता की श्राद्ध के लिए पैसे नहीं है। हर कोई सोनू सूद हेल्पलाइन पर फोन कर रहा है। सोनू सूद ने ट्वीट में अपने मैसेजेस का डेटा दिया और लिखा कि सभी तक पहुंचना मानवीय रूप से असंभव है। मैं अब भी पूरी कोशिश करता हूं, माफ करना अगर मैं आपके संदेश पढ़ ना पाया हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.